मेरे बच्चे की डेड बॉडी थी और आज तक मैं ठोकरे खा रहा हूँ, ना तो कानून ने सुन। बेचा पने की धंधा करती है, थारी सागी की मैंने नहीं, मारी ननन है वो। ननन है, अच्छा। हाँ। तो उस धंधा में मुझे वो डालना चाहता। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो लोकेशन है मेरी, वह लोकेशन है नायरा पंप। नायरा पंप है जो पुगल स्वापा चालांगा खाजवाड़ा रोड पर पूरा नायरा पंप बनेडो है। और ई पंप की तरफ ही मतलब थोड़ा तेल को सहयोग है जो रफीक भाई साहब है अंधेड़ो है। रफीक भाई साहब यानी कि एक वो नाम है जको नाम कदी मिट कौन सके, एक वो नाम जको कदी पृष्ठ छाया हूं कदे भी हट कौन सके, यानी कि कदे भी ओझल को नहीं हो सके। वो नाम जको नाम आम जुबान पर है, वाकई में जो जिंदगी में जंग हार चुका है बांगे लिए एक सबक है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सके। यानी कि प्रॉफिट होनो, लॉस होनो, घाटो लागनो या फिर परिवार में छोटी मोटी बातें, छोटो मोटो विवाद होनो, बिसु आपा एकदम डिप्रेशन में चला जावा या फिर आपनो व्यवहार उच्चतम गति ने ना पकड़नो, बिनु भी आपा डिप्रेशन में चला जावा। लेकिन हकीकत आ है कि अन देखो थे आंगो व्यापार, आंगो बिजनेस, आंगो परिवार, सारो को सारो टोटल ई टैक्सी पर है। तीन पहियां की टैक्सी है और ई टैक्सी पर स्टिपनी भी लगा रखी है। और रफीक भाई पूरी इंडिया का मायने है जो एकदम प्रसिद्ध है, यानी कि रफीक भाई नेशनल मीडिया लेके क्षेत्रीय ग्रामीण मीडिया तक भी आप पहुंच है जो रखे। जोधपुर का है मैं बता दूं थाना। तो एक्चुअल में जो कंडीशन की हुई है, अंग बच्चों हो एक बच्चे पर मतलब एक अत्याचार बाल सुधार न्यायालय में मतलब बहुत बहुत मोटी ट्रेजडी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आऊं आपा सुना। तो सब पहला तो सलाम, राम राम, राम नमस्कार साहब, क्या हाल चाल है? हाल चाल धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं, जैसे भी भगवान गुजार रही है भगवान है। मारवाड़ी आवे क्यों नहीं, जोधपुर जय जल में हूँ। हाँ। और सारे सीएम वगैरह, सारे विधायक वगैरह सब जानते हैं, लेकिन भगवान जो सहयोग देता है ऐसा कोई नहीं दे रहा है। और भगवान किसी न किसी बंदे को खड़ा करता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भी मीडिया के माध्यम से हमारी मदद हो सके, रहन सहन है, खान पीन है, चलना फिरना है, जो भी भाई लोग देख रहे हैं और हमारे जैसे जितने भी विकलांग भाई इस धरती पर है उनका हौसला और बुलंद होना चाहिए कि ये भी तो एक विकलांग बंदा किस तरीके से गुजर रहा है। और मेरे बच्चे को भी बाल सुधार न्यायालय में पढ़ने के लिए डाला था, पुलिस प्रशासन के कहने पर और उसकी माँ के कहने पर उसको भी जान से मार दिया। कारण कह रहे हो? कारण उसका, उसकी माँ ने डाला, वो तो कोर्ट वाले और थाने वाले बताएंगे। 16 साल के बच्चे ने मारने मैंने दुष्कर्म, और मतलब थारे बच्चे का सागे दुष्कर्म करिया, बाल सुधार न्यायालय के अंदर। हाँ। जोधपुर मंडोर के अंदर आरोप है तारो? ये मैं आरोप नहीं, हकीकत, बाकायदा मीडिया में खबरें हैं। वसुंधरा भी उस दिन मौजूद थी जोधपुर में, गहलोत सीएम साहब भी मौजूद थे। मैं डेड बॉडी लेने गया था, लेकिन 5 दिन से मेरे बच्चे की डेड बॉडी थी और आज तक मैं ठोकरे खा रहा हूँ। ना तो कानून ने सुनवाई की, ना प्रशासन ने सुनवाई की, बस ये जनता जरूर मुझे भगवान के नाम पर दान दक्षिणा देकर ये जिंदगी को पार लगा रहा हूँ। मतलब करेक्ट सुने थे, मतलब एकदम करेक्ट, जितो मैं करेक्ट सुने बीतो थे सुने, मतलब आंग है एक बच्चे के सागे दुष्ट है बच्चों पुरुष प्रधान, यानी कि अगर महिला और पुरुष की बात आवे तो अगर महिला पर वो आरोप लगे है कि कई बालक के सागे मतलब दुष्ट है तो आप बात मानने में को नहीं आवे। अभी पंजाब के मायने एक युवक के सागे 3 लड़कियां पर आरोप लगायो है कि 3 लड़कियां युवक पर अत्याचार करियो है और दुष्ट मामलो है जो करियो है, लेकिन आ बात है जो माने ही को नहीं और कोर्ट तो आ बात कह भी आ हो ही कौन सके, लेकिन आ एक विचाराधीन स्थिति है। विकलांगों की फाइलों को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब वो माँ से पूछताछ करते तो बाप से क्यों नहीं पूछताछ की? बाप तो मौजूद है, विकलांग है बेटा, बाप का सहारा होता है, माँ का सहारा होता है, भाई बहनों का सहारा होता है, वो सहारा किस काम का जो गवर्नमेंट देखते हुए भी फाइलों को दबाए जा रही है और बाप को बुलवा भी नहीं रही है। पुष्टि हुई ये चीज? हाँ, वही ना साहब, अखबारों में देख लो आप, कॉपी के अंदर मौजूदा 374 का केस लगाया, 376 लेडीज के साथ होता है और महिला 3 स्टार वाली मैडम वो समाज से थी और उसने उल्टा मुझे दबाया डाटी धमक देके कि तुम चुप बैठ जाओ हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आज तक के कोई कार्रवाई का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास कलेक्टर साहब का लिखा कागज भी है, अखबारों की कॉपियां भी है, अब आगे सुनवाई भगवान के हाथ है। तो फिर मतलब मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी अभी कटे? वो धर्म पत्नी मेरी बीवी 2 थी,
दो बीवी और सारी मीडिया को मालूम है कि विकलांग रफीक की दो पत्नी हैं, लेकिन एक पत्नी तो बाल्मीक से लग गई, रखेल बन गई, और एक पत्नी को ड्रिंक की आदत लग गई, इसलिए मैं दर बदर मारे मारे भटक रहा हूँ। बीवी कठू लेडी थारी, एक महाराष्ट्र सांगली सतारा, एक इधर आसाम गुवाहाटी बिहार की उधर की थी। और थरसा का जो ट्रेजडी है बचपन हुई है? ये बचपन से ही है सर, ये बचपन से है, अखबार में जिक्र है, ऊपर से पत्थर गिर गए, दोनों पैर खराब हो गए, नासूर बन गए और कट गए, कोई झूठ बोल करके। मैं तो बीवी थे कह रहे हो कि मतलब थरसा का है कौन है, जबकि दो शादी है जो थारी ओडी है, लेकिन जो मैं अभी देख पा रहे हूँ एक उन्हें, ये मेरी साली है, लाचार है, मजबूर है, और किसी को सहारा देना कोई अपराध नहीं है। आज लड़की जात का, औरत जात का हर आदमी मौके का फायदा उठाता है, लाचारी का फायदा उठाता है, तो ये इसका दिल है, मेरे पीछे पीछे घूम कर अपना पेट भर रही है। मैं माइक पे आवाज लगाता हूँ, ये घरों में जाकर के दान दक्षिणा लेके आ जाती है। नहीं बस, मतलब बात ठीक है, बात ठीक है, मतलब एक सेकंड, बात ठीक है कि मतलब थे बात कर रहे हो कि मतलब भी किन सारो देनो बुरी बात को नहीं, लेकिन समाज तो इन भी नजरियों ही देखेगा। अब समाज तो देखने वाले ना जाने किस किस नजर से देखते हैं, लेकिन भगवान तो एक नजर से देख रहा है। दो बच्चा किंग है, ये दो बच्चे इसके धनी के है, और इसकी धनी ने जो तलाक दे दी है आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, और फिर भी आप कैमरे में कैद कर सकते हो। बिल्कुल, मैं बात भी करूंगा थोड़ी बहुत। मतलब थे अंग सागे क्यों रह रहे हो जबकि थार मतलब पति सागे तलाक हो चुका है? मारे तो यूं है कि मारा आदमी कमा तो कोनी, और मारा आदमी पालन बालाजी के मंदिर में खा ले तो टिप्पण घरों ले जातो, कि मारा काम मिले कोनी, जो कंपनी बाग है बटे जार वो दिन गुजार ले तो शाम को 5 बजे आ जा तो के मैंने काम को नहीं मिले, तो तन काम क्या मिल ली, तो जाओ ही कौन काम मा, काम मते काम मते जाओ, जदी तो काम मिली घनो समझायो घनो ही करियो, जब उसका बहन खुद है घर बिकारने वाली, उसकी बहन बेचा पने की धंधा करती है, थारी सागी की बहन है? नहीं, मारी ननन है वो। ननन है, अच्छा। तो उस धंधा में मुझे वो डालना चाहता, एक बार उसने मुझे खुद ले गया, मैंने बोला ये जगह कौन सी है मुझे बताओ तो जरा सरी मुझे पता चले, फिर मैंने वहाँ से भाग गए पैदल 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 पैदल, मैंने छावनी आई, छावनी बोलते अस्पताल के पास में, तो वहाँ से मैंने बोला कि मुझे बचाओ कोई, उनने दो चार औरतें ने मुझे बचाया, उसके बाद मैंने ये लड़की मेरे पेट में थी, मैंने घना आदमी ने मुझे समझाया कि तो अब नहीं करेगा, अब नहीं ले जाएगा, मैंने बोला अच्छी बात है नहीं ले जाएगा नहीं करेगा, तो इन आप समझाओ कदी, मतलब जो थे कह रहे हो कि वेश्यावर्ती में थाने उतारने की कोशिश हुई, तो कदी मतलब थाने मतलब बीच चीजों से निकल गया बारे, या फिर कदी गया भी? नहीं, मैं कदी नहीं गया। उसके बाद में मैंने अलग रहने लगा, अलग कमरे लिए मैंने, तो वहाँ आके मेरे को गाली गुप्ता करते थे रोज, मेरे को वहाँ भी नहीं रहने दिया, फिर ये लड़की सब लोगों के समझाने में ये लड़की मेरे ठहर गई, फिर इस लड़की को पैदा होने के लिए इंसान डिलीवरी के टाइम में इंसान औरत जात को अस्पताल ले जाते हैं, देख के हंसते नहीं है, चाहे आदमी हो चाहे ननन हो, आदमी देख के मुझे हंस रहा था, बोलता ये तो नाटक कर रहा है, अब दर्द शुरू हो गया है, अस्पताल वो ले नहीं गया मुझे। उसके बाद मेरे एक पड़ोसन था सवाना नाम की, तो उनने मेरे को अस्पताल ले गई, रात को 9 बजे वो काम से आई थी, तो उसने मेरे को अस्पताल ले गई, तो ये लड़की पैदा हुआ। उसके बाद में मैंने इस लड़की के 10-12 दिन गुजारा, मैंने बोला कि आपकी रास्ता आप देख लो, मेरे रास्ता मैं देख लूँ, मुझे कमाना ही होगा, मैं कमा के ही खाऊँगा, तो ये बच्चे को लेके अलग ही मैं कमा के खाऊँगा, क्यों तुझे हट्टा गट्टे को बैठा के मैं खिलाऊँगा कमा के, जाओ अब तेरे बहनों की पलनों में बंधा रहो, हम तो समझा समझा के थक गई और नहीं समझा सकते हैं, और मैं ये धंधा में नहीं जाऊँगा, मैं मांग के खा लूँगा, चाहे मैं मजदूरी करके खा लूँगा, नहीं मजदूरी कर पाऊंगा तो कई एक मस्जिद की कोना पकड़ूंगा, यानी तो मंदिर पकड़ूंगा। नाम क्या है आप? मेरी नाम साजिदा है। साजिदा, तो सेकंड एपिसोड का सागे मैं उपलब्ध होऊंगा थोड़ी ही देर में, थार सागे मतलब थोड़ी देर में मतलब नेक्स्ट एपिसोड काल गए जो एपिसोड है, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर हालात के बीच में दो पत्नियां, दोनों पत्नियां वे धंधे में उतर गई, ये खुद कबूल कर रहे हैं, और आने जो है ये तलाकशुदा है, आने भी वेश्यावर्ती का धंधे में उतारियो गयो।
आपने समाज के बीच में, आपने इस समाज के बीच में, सभ्य समाज के बीच में असभ्य घटनाएं हैं जो क्यों हो रही है। सवाल कई है, सवाल ये भी है कि आखिर असभ्य अगर घटनाएं सभ्य समाज के बीच में हो रही है तो फिर कार्रवाई के नाम पर लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है। भारत की कानूनन व्यवस्था है जो सीएम तक पहुंच चुकी है, अंगी जो गुहार है वह पूर्व सीएम तक पहुंच चुकी है, वर्तमान सीएम तक पहुंच चुकी है। आज स्पेशल रिपोर्ट के मायने नायरा पंप पुगल सू में लाइव जुड़ेड़ो थर सके, लेकिन काल को एपिसोड भी थे देखना मत भूलिया, क्योंकि अंगी आगी जो अगली जो जिंदगी है भी जिंदगी के बारे में आप और कुछ निकालने की कोशिश करांगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।